नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। और आइए नए वर्ष की शुरुआत पर हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो भी राज्यों के हैं उनके नामों को यहां पर अपडेट करेंगे। तो मुख्य रूप से इस वीडियो में हम 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं या फिर प्रशासक हैं, उन सभी के नामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जम्मू व कश्मीर की। तो जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में जम्मू व कश्मीर के राज्यपाल हैं, और यहाँ पर इस समय चुनाव नहीं हुआ है, तो अभी सीएम का पद यहाँ पर वैकेंट है। राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ की है श्रीनगर और जम्मू। अगला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख की बात करें तो इसके उपराज्यपाल कौन है? आर के माथुर, और यहाँ की राजधानी है लेह। क्या है? लद्दाख की राजधानी है लेह। आगे हम बात करेंगे पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य की बात करें तो यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़, और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं, इनका नाम है बीपी सिंह बदनौर, और वर्तमान में यहाँ पर सीएम है अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, यानी कि इनकी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7, और यहाँ की विधानसभा में 117 सीटें हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियाँ हैं। गर्मियों में यहाँ की राजधानी होती है शिमला, और सर्दियों में यहाँ की राजधानी होती है धर्मशाला। वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय। कौन है? बंदारू दत्तात्रेय वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं, और सीएम यहाँ के हैं जयराम ठाकुर, जो कि हैं बीजेपी से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर सीएम है जयराम ठाकुर। लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3, और यहाँ की विधानसभा में 68 सीटें हैं। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और याद रखिएगा कि जो स्वच्छ भारत रेल सर्वेक्षण आया था उसमें जो सबसे साफ रेलवे स्टेशन था वह भी जयपुर रेलवे स्टेशन था। राज्यपाल यहाँ के वर्तमान में है कलराज मिश्रा, और यहाँ पर सीएम है अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत, और ये हैं कांग्रेस पार्टी से। लोकसभा में यहाँ पर 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, और विधानसभा में यहाँ की 200 सीटें हैं। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ के वर्तमान में सीएम है मनोहर लाल खट्टर। तो ये अभी नए सीएम बने हैं, और इनकी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। और दुष्यंत चौटाला का नाम भी याद रखना है, जो कि उप मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के, और इनकी पार्टी है जेजेपी। हरियाणा की लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5, और यहाँ की विधानसभा में 90 सीटें हैं। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जहाँ पर पहला हेलीकॉप्टर समिट भी हुआ था। राज्यपाल यहाँ के वर्तमान में है बेबी रानी मौर्य, और वर्तमान में यहाँ पर सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो ये भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3, और यहाँ की विधानसभा में 71 सीटें हैं। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का यह सबसे बड़ा राज्य है। राजधानी यहाँ की है लखनऊ। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि पहले कहाँ की थी? एमपी की थी, और वर्तमान में यहाँ पर सीएम हैं योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से। लोकसभा में यहाँ पर भारत के किसी भी राज्यों से सबसे ज़्यादा सीटें हैं, यानी कि 80 सीटें हैं। राज्यसभा में भी सर्वाधिक है 31, विधानसभा में है 403, और विधान परिषद में यहाँ की 100 सीटें हैं। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य की बात करें तो यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11, और विधानसभा में 182 सीटें हैं। और विजय रूपाणी किस पार्टी से हैं? तो इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। राज्यपाल यहाँ के कौन है? राज्यपाल है लालजी टंडन, और यहाँ के वर्तमान में सीएम है कमलनाथ। कमलनाथ की पार्टी कौन सी है? तो कमलनाथ जी की पार्टी है बीजेपी नहीं, कांग्रेस। क्या है इनकी पार्टी? कांग्रेस है, तो कांग्रेस के ये लीडर है। लोकसभा में यहाँ पर 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11, और यहाँ की विधानसभा में 230 सीटें हैं। अगला राज्य है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो इसकी राजधानियाँ दो हैं, गर्मियों में होती है मुंबई और सर्दियों में राजधानी होती है नागपुर। राज्यपाल यहाँ के कौन हैं? तो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? शिवसेना। तो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने यहाँ पर गठबंधन किया है और अभी अजीत पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है, यानी कि ये बने हैं उप मुख्यमंत्री। लोकसभा में यहाँ की 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19, विधानसभा में 288 और यहाँ की विधान परिषद में 78 सीटें हैं। अगला राज्य है गोवा। गोवा की बात करें तो यहाँ की राजधानी है पणजी। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, जो कि पहले जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल थे और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और इनकी पार्टी है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा में यहाँ की 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में 40 सीटें हैं। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ की राजधानी है बेंगलौर। क्या है? बेंगलौर यहाँ की राजधानी है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला और वर्तमान में यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं बीडी येदियुरप्पा और पार्टी इनकी है बीजेपी। लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12, विधानसभा में 224 और यहाँ की विधान परिषद में 75 सीटें हैं। अगला राज्य है केरल। केरल राज्य की राजधानी क्या है? तो राजधानी यहाँ की है तिरुवनंतपुरम। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पिनरई विजयन, जिनकी पार्टी है CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इनकी पार्टी है। लोकसभा में यहाँ की 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में 141 सीटें हैं। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की बात करें तो यहाँ की राजधानी है चेन्नई। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और वर्तमान में यहाँ के CM हैं इडापड्डी के पलाना स्वामी और इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है AIADMK यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम इनकी पार्टी है। लोकसभा में यहाँ की 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में यहाँ की 234 सीटें हैं। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी है अमरावती। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं बीबी हरिचंदन और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। यहाँ की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में 175 सीटें हैं और विधान परिषद में यहाँ की 58 सीटें हैं और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है YSR कांग्रेस। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। राज्यपाल यहाँ की कौन है? तो राज्यपाल यहाँ की हैं तमिलसाई सुंदर राजन और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7, विधानसभा में 119 और विधान परिषद में 43 सीटें हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति इनकी पार्टी है यानी कि TRS इनकी पार्टी है के चंद्रशेखर राव की। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, इनका नाम है अनुसुईया उइके और यहाँ पर वर्तमान में CM है कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल। लोकसभा में 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में 90 सीटें हैं। अगला राज्य है बिहार। बिहार राज्य की राजधानी है पटना और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं, इनका नाम है फागू चौहान और CM यहाँ पर कौन है? तो CM यहाँ के वर्तमान में है नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU। लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, विधानसभा में 243 सीटें हैं और यहाँ की विधान परिषद में 75 सीटें हैं। JDU इनकी पार्टी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड राज्य की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? रांची है। राज्यपाल यहाँ के कौन है? तो राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। अगर हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के हेमंत सोरेन। क्या नाम है इनका? हेमंत सोरेन। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इनकी पार्टी का नाम है JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ये मुक्ति मोर्चा यहाँ पर गलती से प्रिंट हो गया है, तो ध्यान रखिएगा हेमंत सोरेन यहाँ के हैं CM। लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 और विधानसभा में यहाँ की 81 सीटें हैं। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की राजधानी वर्तमान में है भुवनेश्वर। राज्यपाल यहाँ के कौन है? गणेशी लाल और वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है नवीन पटनायक। यहाँ की लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 147 सीटें हैं। तो इस माह तो हम लोग सिंपली सारे जो CM हैं इनको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट मंथ से
मुख्यमंत्री और राज्यपाल को डिस्कस करेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि जितने भी राज्य हैं उनसे कम से कम 5-5 करंट अफेयर को भी डिस्कस करें। तो इस प्रकार से देखेंगे कि वह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और वह उस राज्य से संबंधित वही करंट अफेयर होंगे जो कि सभी राज्यों में होने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। नवीन पटनायक की पार्टी है बीजू जनता दल। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है कोलकाता। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी यानी कि ममता बनर्जी। लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 और यहाँ की विधानसभा में 295 सीटें हैं और इनकी पार्टी है TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस। अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे उत्तर पूर्व के राज्यों में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिक्किम। सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है, तो राजधानी यहाँ की है गंगटोक। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद और वर्तमान में यहाँ के CM हैं प्रेम सिंह तमांग। लोकसभा में यहाँ की 1 सीट है, राज्यसभा में 1 ही सीट है और यहाँ की विधानसभा में भी है 32 सीटें और इनकी पार्टी है SKM। तो आपको यहाँ पर बताना है SKM का पूरा नाम क्या है, इनकी पार्टी जो SKM है, S फॉर है सिक्किम, बाकी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला राज्य है असम। असम राज्य की वर्तमान में राजधानी है दिसपुर। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, ये लोकेशन आप देख सकते हैं असम की, और यहाँ के वर्तमान में CM है सर्बानंदा सोनोवाल और इनकी पार्टी है BJP। लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 और यहाँ की विधानसभा में 126 सीटें हैं। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय राज्य की वर्तमान में राजधानी है शिलोंग। राज्यपाल यहाँ के हैं वर्तमान में तथागत रॉय और यहाँ के वर्तमान में CM है कॉनराड संगमा और नेशनल पीपुल पार्टी इनकी इस समय पार्टी है। राज्यपाल के नाम के संबंध में आपको एक चीज़ याद रखना है कि अभी आर्यन रवि जो कि नागालैंड के राज्यपाल हैं उनको एडिशनल चार्ज मिला था दिसंबर माह में ही कुछ समय के लिए मेघालय के राज्यपाल के रूप में, लेकिन तथागत राय यहाँ के परमानेंट राज्यपाल हैं। मेघालय की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में 60 सीटें हैं। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की बात करें तो यहाँ की राजधानी है अगरतला। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं रमेश बैस और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं बिप्लव कुमार देव। लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में 60 सीटें हैं और बिप्लव कुमार देव की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगला हमारा राज्य है मिजोरम। मिजोरम की बात करें तो यहाँ की राजधानी आइजोल है। राज्यपाल यहाँ के हैं PS श्रीधर पिल्लई और वर्तमान में यहाँ के CM है जोरमथंगा। लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 है और यहाँ की विधानसभा में 40 सीटें हैं और इनकी पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर राज्य की वर्तमान में राजधानी है इम्फाल। राज्यपाल यहाँ के हैं नजमा हेपतुल्लाह और यहाँ के वर्तमान में CM है N बीरेन सिंह। लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में 60 सीटें हैं और N बीरेन सिंह की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड राज्य की राजधानी क्या है, तो कोहिमा यहाँ की राजधानी है। राज्यपाल यहाँ के हैं RN रवि जिनको एडिशनल चार्ज मिला था मेघालय के लिए और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नेफ्यू रियो। लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 है और यहाँ की विधानसभा में 60 सीटें हैं और नेफ्यू रियो की पार्टी है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है ईटानगर। राज्यपाल यहाँ के हैं BD मिश्रा और वर्तमान में यहाँ के CM हैं पीमा खांडू। लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 है और यहाँ की विधानसभा में 60 सीटें हैं। पीमा खांडू की भी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब हम लोग बात करेंगे भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आइए सबसे पहले इनकी लोकेशन हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद में यहाँ पर मिलेगा दिल्ली। दिल्ली के बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा दमन और दीव। दमन और दीव के बाद में यहीं पर आपको मिलेगा दादरा और नागर हवेली। दादरा और नागर हवेली के आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा एनम, आंध्र प्रदेश में एनम, पौंडीचेरी, फिर आपको नीचे मिलेगा कराईकल और केरल में मिलेगा माहे। तो ये सारे मिल करके पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को बनाते हैं और यहाँ पर आप आएंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपको मिलेगा जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखिएगा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 यहाँ पर आपको देखने को मिले और 2 हम लोगों ने यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में शुरुआत में ही चर्चा की थी।
तो चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं इनका नाम है बीपी सिंह बदनौर। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये यहाँ के सीएम हैं। पुडुचेरी के राज्यपाल हैं किरण बेदी और बी नारायण स्वामी कांग्रेस के यहाँ पर सीएम हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती और दिनेश शर्मा यहाँ के प्रशासक हैं। अंडमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।